DIY हिबिस्कस पैक, जिससे 15 मिनट में चेहरे के दाग धब्बे साफ होकर चेहरा ब्राइट, रिंकल्स फ्री और यंग लगता है। हेलो टू माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। आजकल फेशियल हर कोई करा रहा है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के फेशियल जो है मार्केट में अपने स्किन के अकॉर्डिंग लोग कराते हैं। ऐसे ही हाइड्रा फेशियल जो कि काफी पॉपुलर है, जो दावा करता है कि आपकी स्किन को हमेशा यंग रखेगा, स्किन पर इंस्टेंट ब्राइटनिंग करेगा, स्किन को कभी बूढ़ा नहीं होने देगा। हाइड्रा फेशियल जो है बहुत कॉस्टली है, लेकिन आज हम ये घर में करने वाले हैं, वो भी हिबिस्कस पाउडर की मदद से, गुड़हल के पत्तों का पाउडर जिसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो कैसे हम ये फेस पैक बनाएंगे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह आपको इसे इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए वीडियो को गौर से देखें, और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो हाइड्रा फेशियल करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा हिबिस्कस पाउडर, यानी गुड़हल के जो फूल होते हैं उनका पाउडर। ये आपको मार्केट या ऑनलाइन में कहीं पे भी मिल जाएगा। अगर आपके पास फ्रेश गुड़हल के फूल हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। गुड़हल के फूलों का जो पाउडर होता है, इसमें एंटी एजिंग, स्किन ब्राइटनिंग, स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है। मतलब कि इसके इस्तेमाल से आपको कभी भी बुढ़ापा नहीं आता है, ना ही झुर्रियां आती हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे ही हमारे जो स्किन सेल्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और दोबारा से रिग्रो भी नहीं होते हैं। जब स्किन के सेल्स जो है दोबारा नहीं बनेंगे, तो इस वजह से हमारे चेहरे पर बुढ़ापे के लक्षण आने लग जाते हैं, जैसे झुर्रियां, पिगमेंटेशन होने लग जाती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हिबिस्कस पाउडर में होती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज एंड नए स्किन सेल्स को ये रिजुविनेट करता है। एक चम्मच हिबिस्कस पाउडर किसी बॉल में आप ऐड कर लो। सेकंड, इसको मिक्स करने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए होगा रॉ मिल्क, यानी कच्चा दूध। कच्चा दूध काफी अच्छा क्लींजर होता है स्किन के लिए, बहुत अच्छे से हमारी स्किन को क्लीन कर देता है, स्किन की डेड सेल्स को निकाल देता है और चेहरे पर धूप, धूल, मिट्टी, जो भी कालापन जम जाता है उसको क्लीन करता है। कई बार क्या होता है कि स्किन पर नमी न होने की वजह से स्किन डिहाइड्रेट होकर डल दिखने लगती है, स्किन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और आने लग जाती है। कच्चा दूध नमी स्किन को देता है एंड इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को क्लियर रखने में भी हेल्प करता है। कच्चा दूध डालकर नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है विटामिन सी टैबलेट्स। जिस तरीके से विटामिन ई कैप्सूल आती है, वैसे ही विटामिन सी टैबलेट्स भी आती है। इनको खाया भी जाता है और इनको लगाया भी जाता है। विटामिन सी का रोल तो आप सभी को पता है कि हमारी स्किन के लिए कितना पावरफुल और बेनिफिशियल होता है। स्किन की इलास्टिसिटी स्किन की हेल्थ को हमेशा बरकरार रखता है, स्किन से इन्फ्लेमेशन कम करता है एंड सबसे इम्पोर्टेंट, विटामिन सी का डोज स्किन के लिए वो दवाई है, यानी कि वो मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल लगातार करने से चेहरा हमेशा जवान, टाइट और ग्लोइंग रहता है। एक विटामिन सी टैबलेट लेकर इसको पीस लीजिए और इसका पाउडर बनाकर इसमें ऐड कर लीजिए। एक विटामिन सी टैबलेट पीस कर इसमें पाउडर बनाकर ऐड कर लीजिए। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि हिबिस्कस पाउडर थोड़ा मिक्स होने में टाइम लेगा, बट ये मिक्स हो जाता है तो काफी स्मूथ बन जाता है। स्किन पर लगाने पर भी काफी सॉफ्ट लगता है, तो काफी अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये वाकई में बहुत स्मूथ बन चुका है। पहले मैं आपको अपना फेस दिखा देती हूँ। मेरा फेस बहुत डल हो रखा था, पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से साफ किया, उसके बाद ये हिबिस्कस फेस पैक पूरे चेहरे पर लगाया। लगाते समय ही स्किन पर बहुत सॉफ्ट लग रहा था, तो मैंने अपने आईज के ऊपर नीचे भी इसे लगा लिया। थोड़े बहुत डार्क सर्कल जो होते हैं वो भी इससे चले जाते हैं। पूरे फेस पर लगाने के बाद 20 मिनट मैंने इसे रखा, देन वॉश आउट कर लिया। मैं आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ, पहले मेरा फेस कितना ज्यादा डल दिख रहा था और इसको लगाने के बाद स्किन की सारी डलनेस निकल चुकी थी, जो भी क्रैकनेस फेस पर लग रही थी वो रिपेयर हो गई थी और मेरा फेस काफी सॉफ्ट हो गया था। अगर आप भी अपने स्किन के टेक्सचर को बेटर होते हुए देखना चाहते हो, तो अपनी स्किन का बिफोर टेक्सचर क्लिक कीजिए और इसको यूज कीजिए। कुछ टाइम बाद आप आफ्टर स्किन का टेक्सचर चेक करिएगा, आप खुद कहेंगे कि इट्स रियली मैजिकल। तो ट्राई कीजिए, मिलती हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।